कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से छठ महापर्व का शुभ आरंभ हो जाता है। चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। छठ पर्व में मुख्य दिन षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है और व्रती महिलाएं 24 घंटे से अधिक समय का कठिन निर्जला उपवास रखती हैं। मान्यता है कि यह व्रत रखने से संतान को लंबी आयु और उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद मिलता है। वहीं परिवार में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। छठ महापर्व में भगवान सूर्य की आराधना के साथ साथ छठी मैया की भी विधि विधान से पूजा की जाती है। बता दें कि छठ पर्व के अंतिम दिन उगते हुए सूर्य और छठी मैया की पूजना के साथ इस व्रत का विधिवत पारण किया जाता है। पुरातन कथाओं के अनुसार बिहार में छठ पूजा का आरंभ महाभारत काल के दौरान हुआ था। तब से लेकर आज तक यह पर्व बड़े श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस पर्व की शुरुआत को लेकर बाजारों में काफी रौनक दिखाई दे रही है। यह व्रत रखने वाली महिलाओं के द्वारा बाजार में खूब खरीदारी की जा रही है। देखिए नंगल सिटी अपडेट के लिए अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। बाबा नाम क्या है? लोकनाथ शर्मा। विस्तार से जानकारी दीजिए और क्या क्या है इसके बारे में। जानकारी यही दे रहा हूँ मैं कि बिहार में इसको बहुत बड़ा मुख्य बहुत बड़ा पर्व माना जाता है बिहार में, जिसमें कि नारियल नींबू केला हल्दी अदरक सूप ये सब वगैरह जितना सामान है सारे चढ़ाया जाता है और सूर्य भगवान को देखा जाता है 4 बजे 5 बजे शाम को, और फिर सुबह 6 बजे से लेकर के 7 बजे जब सूर्य उदय हो जाता है तो सूर्य भगवान को देख के जल से उनको अर्घ दिया जाता है। अर्घ दे के इसके बाद इस सब पर्व को समाप्त किया जाता है। देखिए ये साल में कार्तिक के दीपावली के 6 दिन बाद इसका पर्व का शुरुआत होता है। 6 दिन बाद कितने दिन चलता है यह पर्व? 3 दिन चलता है। ठीक है। एक दिन तो हो गया कद्दू भात, दूसरा दिन हो गया खरना, तीसरा दिन हो गया सूप का अर्घ देना का पर्व, जिसमें कि 2 से 2 दिन 3 दिन तक जो सूप को हाथ में लेगा वह भूखे रहता है। ठीक है। और सूर्य भगवान को देख के अर्घ देख के उसको खाता है रोटी, बट ये महिला लोग रखता है। अच्छा। और पुरुष भी जिसको मनोकामना पूरा होता है तो जैसे कि हम लोग गुरुद्वारे नैना देवी दंड दे के जाते हैं वैसे दंड भी पड़ता है, घर से लेकर के जहाँ पानी में हाथ उठाता है वहाँ जा कर के दंड दे के सूर्य भगवान को देख के समाप्त कर देता है। इसलिए इस पर्व को बिहार में बहुत बड़ा मुख्य पर्व माना जाता है। बिहार सरकार भी मानता है, लुधियाने में अब पंजाब सरकार भी जहाँ हाथ उठता है बिहारी का वहाँ फौस दिया जा रहा है लुधियाने में भी, और लंगर में भी देख रहे हैं बहुत ज़ोर शोर से बिहार का जितने भी महिला हैं हमारे पुरुष हैं सब आकर के लंगर बाजार में आकर के देख रहे हैं, सारा सामान खरीद रहा है फल फूल सूप वगैरह। या अभी हम लंगर मार्केट में खड़े हैं। रंजू देवी, छठ पूजा में तो जो हमको घर वाले बीमार था तो हमारे सासू माँ ने बोला कि हमारे बच्चे राजी रहेगा ने छठ माता तो तेरा व्रत रखेगा, तो मैं जोड़ा सूप उठाता हूँ। उनको मम्मी उठा रहा था पहले, तो मम्मी पूरा हो गया तो मैं उठा रहा हूँ। तो अभी बनाते हैं, आज को दिन बनते हैं कदुआ डालकर घी, आज बोलते हैं आप लोग घिया डाल के और चना का दाल डाल के चावल बनाते हैं, उसको बना के खाते हैं। उसके बाद कल को खीर बनाएंगे और रोटी बनाएंगे, उसको भी चढ़ाएंगे जब चंद्रमा निकलेगा तब। ठीक है। बस उसी दिन जो उस टाइम जो खाएंगे, यदि कंकड़ पड़ जाए चाहे बाल पड़ जाए फिर हाथ रोकने पड़ेगा, चाहे कोई आवाज़ भी मार देगा मम्मी कह के तो अभी हाथ रुक जाएगा, नहीं फिर दोबारा भोजन कर। बस तीसरे दिन जल में जाके उसको बनाएंगे, सारे फल फूलोट लेके जाएंगे जल में। ठीक है। जल में खड़ा होंगे, सुबह
खत्म हो जाएगा सोमवार को, इधर ही करेंगे अर्घ, सुबह को सूर्य के उधर के करके बस खत्म। कौशल्या देवी जी, आज से मेरा शुरुआत हो रहा, आज से शुरुआत हो रहा। आज जैसे घिया चावल बनाते हो जी, ऐसे कल से फिर सारे दिन भूखे रहो जी, फिर रोटी बनाओ, खीर बनाओ, ऐसे बना के चढ़ा को माता को, ऐसे परसों से छठ पूजा होगा। आज के दिन कुछ नहीं, तो खाए कदुआ भात बनता है, दाल चावल बनता है। अच्छा, घिया चावल बनता है कदुआ, ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। मार्केट से छठ पूजा नू लेके इस बार कितना ना माहौल है, लोग क्या क्या खरीदारी कर दिया और कितने दे लोग कर दिया और इसके बारे जानकारी दियो। देखो ये है पूर्वोत्तर राज्य का त्यौहार, ठीक है, उधर के लोग इनू बहुत ज्यादा धूम नाल मनाते हैं और ये मेन इन्हों का पूजा का टाइम होता है सवेरे और शाम का, एक दिन शाम को पूजा करते हैं तो दिन टलते टाइम, एक दिन अगले दिन सवेरे दिन चढ़ते वे पूजा करते हैं। वो ज्यादातर इन्हों का ये टोकरा छज और नारियल उस अपना थोड़ा फ्रूट हो गए, सब्जियां हो गई, ना लेना पूजा दे सर ज्यादा, जिस तरह अभी पूजा से बनया धागे हो गए, मौली होगी, रोली होगी, गंगा जल हो गया और थोड़े कपूर हो गया, धूप बत्ती होगी और ये सारा इन्हों समान जो पूजा समान है, ये अन्न भी है, फल भी है और दूजे समान भी है, हरी सब्जियां भी हैं, सब कुछ ये लेंगे और इन अपना काफ़ी अनगिनत है, ये कोई लिमिट नहीं है जी, कोई यदा ऐसा नहीं, कोई लिमिट नहीं कि किसान साहब पूरी हर कैटेगरी से जा जाती है जी, ये सात से ज़्यादा शिंगार का समान भी है, अनाज भी है, ये फल भी है, सब्जियां भी है, सब कुछ ये लैके और पूरी श्रद्धा नाल और अनलिमिटेड इन्हों की परचेजिंग पावर अनलिमिटेड होती है, ये कोई कंजूसी नहीं करते हैं, ये चीज़ देखी है इन्हों, कोई कंजूसी, सब कुछ समान जब तक पुल नहीं बनया सगा तं तक इतने बिल्कुल यानी कि बहुत ही टावा टावा कश्मीर देखता सगा, हमें पुल बनने इतने रश पे, फर्क पे, बहुत अच्छा फर्क पे। देखो कोई भी चीज़ अगर विकास के नाम से होंगी है वह विकास का फल तो दिखता ही है जी, ये सच्चाई है, कोई भी चीज़ अच्छे वस्त करें तो अच्छा दिखता ही है, ठीक है।